सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हमारे पास ऑल न्यू ह्युंडई वर्ना विथ 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। आज हम इसका डिटेल रिव्यू करने वाले हैं, सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, इसका ड्राइव रिव्यू भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सभी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, एक्सटीरियर से लेके इंटीरियर में, इंजन में, प्राइजेज में, तो सभी के बारे में बात करेंगे। ऑल्सो विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेज जो मिलते हैं आपको इसमें और इसके टर्बो वेरियंट में, एंड इन द एंड वी विल टॉक अबाउट इट्स सेगमेंट राइवल्स, जिससे कि आपको पता चल सके इस सेगमेंट में आपको कौन सी सेडान कार लेनी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, एंड बिफोर स्टार्टिंग स्पेशल थैंक्स टू चित्तौड़ ह्युंडई द ह्युंडई डीलरशिप टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। आपको भी ह्युंडई का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, टेस्ट ड्राइव करनी है या कोई भी इंक्वायरी है, तो शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, गो एंड चेक इट आउट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो दिस इज द ऑल न्यू ह्युंडई वर्ना। स्टार्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को। मैं सबसे पहले आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। ऑल न्यू वर्ना विल कॉस्ट यू अराउंड ₹10.90 लैक एक्स शोरूम फॉर द बेस वेरिएंट एंड गोज अप टू ₹17.38 लैक एक्स शोरूम फॉर द टॉप वेरिएंट। आज है हमारे पास IVT SX ऑप्शनल, जो कि ये टॉप वेरिएंट 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड का, एंड दिस विल कॉस्ट यू अराउंड ₹16,19,500 एक्स शोरूम। तो ये थी बात इसके टॉप वेरिएंट की। अगर हम टर्बो के टॉप वेरिएंट की बात करें तो वहाँ पे आपको मिलता है 7-speed DCT, एंड दैट विल कॉस्ट यू अराउंड ₹17.38 लाख एक्स शोरूम। तो ये थी बात प्राइस एंड वेरिएंट्स की। अब बात करते हैं अपीयरेंस की। सो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था आपको, ऑल टुगेदर यहाँ पे बिल्कुल नया डिज़ाइन स्टेटमेंट मिल रहा है आपको। स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट टू द रियर पूरी चेंज हो चुकी है कार, और पहले जो डिज़ाइन आती थी उसमें उसका तो कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा नहीं, अब बिल्कुल नया डिज़ाइन स्टेटमेंट है। जैसा कि ये जो फ्रंट है, तो मैंने अभी जब इसका टर्बो वेरिएंट का वॉक अराउंड किया था तो मैंने रील भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे और यूट्यूब पे भी वीडियो बनाया था। तो जो फ्रंट है ना, उसको लेके काफ़ी कमेंट्स आए थे, रिव्यूज़ आए थे कि भाई लोगों को ये जो फ्रंट है ना थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है अभी, मतलब ये जो डिज़ाइन दिया गया है ह्युंडई की तरफ से और ये जो यहाँ पे आपको होराइज़न LED दी गई है, ये थोड़ी लोगों को अभी अच्छी नहीं लग रही है। सो अगर मेरा नज़रिया बताऊं तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है डिज़ाइन और फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन लग रहा है। थोड़े दिनों में ये अभी आपकी आंखों में आएगा ना तो अच्छी लगने लग जाएगी कार। हालांकि थोड़ी और दबी हुई लग रही है अब, वरना पहले जो आता था डिज़ाइन उसमें थोड़ी सी उठी हुई लगती थी, अब और थोड़ी सी नीचे आगे से दबी हुई लग रही है, तो ये बात है। बाकी उसके अलावा यहाँ पे आपको व्हील बेस बिल्कुल बड़ा कर दिया गया है, साइड में आप देख सकते हैं कर्व्स एंड क्रीजेस दे रखी हैं, बोनट पे दे रखी हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा अपीयरेंस मिल रहा है। एलॉय व्हील्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और रियर में भी आपको काफ़ी शानदार LED का सेटअप मिल रहा है। तो ओवरऑल अपीयरेंस काफ़ी अच्छा है, न्यू डिज़ाइन स्टेटमेंट है, इसलिए अभी लोगों को थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा। सो ये थी बात इसके अपीयरेंस की। अब स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से, इसका करते हैं वॉक अराउंड और हम डिफरेंसेस के बारे में भी बात करेंगे टर्बो में क्या क्या डिफरेंस मिलते हैं। सो यस, स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पर आपको काफ़ी शानदार ये होराइज़न लाइट मिलती है, ये जब जलती है जब आपकी हेडलैम्प ऑन होती हैं, और ये आपको मिलती है LED DRL। सो यस, यहाँ पर भी आपको DRL मिल जाती है, एंड ये काफ़ी अच्छी लग रही है। ह्युंडई का लोगो काफ़ी बड़ा दिया है यार, पूरा हथेली जितना है, गर्म हो रहा है। सो ये थी बात। कमिंग टू द फ्रंट बम्पर, सो बम्पर काफ़ी चेंज कर दिया गया है, और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी, जो पहले वरना आती थी उसमें क्रोम ही क्रोम दिखता था सब तरफ, अब यहाँ पे क्रोम का नामो निशान नहीं है, मतलब लिटरली क्रोम बिल्कुल कम जगह मिलेगा आपको, मिनिमलिस्टिक यूज़ किया है क्रोम का। यहाँ पे जो क्रोम यूज़ किया है ना, वो भी ब्लैक क्रोम यूज़ किया है, आप देख सकते हैं जो फ्रंट ग्रिल है इसमें ब्लैक क्रोम यूज़ किया गया है। सो यस, क्रोम से पीछा छुड़ा लिया है यहाँ पे वरना ने। सो काफ़ी अच्छी लग रही है फ्रंट ग्रिल, देखने में काफ़ी एग्रेसिव स्पोर्टियर लग रही है, और ये आप देख सकते हैं जो डिज़ाइन दे रखा है काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो कमिंग टू द हेडलैम्प, सो यहाँ पे आपको 3 एलिमेंट मिलते हैं, और ये रिफ्लेक्टर हैं और LED लाइट है, काफ़ी अच्छी इसका थ्रो है, मैंने रात में इसको जला के देखा था। सो ये आपको हेडलैम्प सेटअप मिलता है, यहाँ पे आपको कॉर्नरिंग लाइट मिल जाती है, हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको एयरवेंट मिलते हैं, यहाँ पे आपको मिलता है पार्किंग सेंसर। तो ये एक अच्छी बात है, इसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल रहा है, क्योंकि सेडान कार है, थोड़ी लंबी कार है तो पार्क करने में थोड़ी दिक्कत होती है। प्लस यहाँ पर आपको मिलता है रडार, सो इसमें अब आपको मिलता है Level 2 ADAS, तो ये भी एक अच्छी बात है। रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है। सो ओवरऑल ये है इसका फ्रंट डिज़ाइन। अब हम बात करते हैं इंजन की। सो इंजन भी ओपन कर लेते हैं इसका, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है यार, इनकी बात करेंगे अभी। सो सबसे पहले हम इंजन की बात करते हैं। सो नाउ लेट्स ओपन द हुड, हुड ओपन कर लेते हैं। काफ़ी डिसेंटली हैवी हुड है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इंसुलेशन मिल जाती है, एंड काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश लग रही है इंजन की भी, और यहाँ पर ऊपर ये जो हुड दे रखा है इसकी भी। सो दिस इज़ द 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4-सिलेंडर इंजन। दिस इंजन प्रोड्यूसेस 115 BHP ऑफ पावर एंड 143.8 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सो आप देख सकते हैं फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है,
एंड बहुत ही शानदार, मतलब फिट एंड फिनिश के मामले में कोई दिक्कत नहीं है, और Hyundai की हमेशा से फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी आती है। एंड इसमें अगर हम एक और इंजन की बात करें जो कि मिलता है आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, टर्बो चार्ज्ड इंजन मिलता है। सो उसमें आपको पावर फिगर्स मिलते हैं 160 bhp ऑफ पावर एंड 253 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सो आपके पास यहाँ पे वरना में दो इंजन ऑप्शंस हैं, दिस इज़ द नेचुरली एस्पिरेटेड, एंड अगर आप टर्बो चार्ज लेना चाहते हैं तो वो भी आपके पास ऑप्शन है। सो ये थी बात इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये जो क्रीजेस दे रखी हैं बोनट के ऊपर, ये काफ़ी अच्छी लग रही हैं और इससे काफ़ी स्पोर्टियर अपीयरेंस यहाँ पे आपको मिल रहा है। प्लस यहाँ पे आपको मिल जाता है एडास का ये सेंसर, जो कैमरा वैमरा है इससे सेंस करता है ये। सो ये थी बात, ये नया फीचर मिलता है। कमिंग टू द साइड प्रोफाइल, सो साइड प्रोफाइल बिल्कुल चेंज है, सभी चीज़ें चेंज हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ऑल न्यू साइड प्रोफाइल है विथ मैसिव व्हील बेस, बेस्ट इन सेगमेंट आपको व्हील बेस मिलता है वरना में 2670 mm का यहाँ पे आपको व्हील बेस मिल रहा है। प्लस ये जो क्रीजेज एंड कर्व्स दे रखे हैं ये काफ़ी हद तक मुझे इंस्पायर्ड लग रहे हैं टूसॉन से, और उसी का डिज़ाइन लैंग्वेज इसमें यूज़ किया गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी लंबी कार लग रही है यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम व्हील्स की तरफ। सो सबसे मेजर डिफरेंस आपको मिलता है, वो मिलता है आपको टर्बो और इसमें, वो है व्हील्स का। सो वहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं ब्लैक फिनिश में, यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं डायमंड कट फिनिश में। सो ये थोड़े अलग हैं, डिफरेंट हैं। प्लस यहाँ पे आपको कैलीपर सिंपल मिल रही है, उसमें आपको कैलीपर रेड पेंटेड मिलती थी। टायर साइज़ की बात करें तो 205/55 R16 16 इंच के यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड टायर्स की जो क्वालिटी है, जो इनका मटेरियल है, उसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। इसमें आपको थोड़ा सॉफ्ट मटेरियल यूज़ किया गया है, उसमें थोड़ा डिफरेंट मटेरियल यूज़ किया गया था। सो ये थी बात व्हील्स की। यहाँ पे आपको ऑटो की बेजिंग मिलती है DCT में, आपको टर्बो में आपको DCT लिखा हुआ मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं ORVM के ऊपर, इलेक्ट्रिकली फोल्डेड ORVM मिलते हैं। प्लस आप देख सकते हैं क्रोम की मैंने बात करी थी, तो वरना ने बिल्कुल पीछा छुड़ा लिया है क्रोम से। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, ये जो सिल्वर टाइप है। सो ये कुछ सिल्वर फिनिश दे रखी है यहाँ पे डोर हैंडल पे, प्लस यहाँ पे थ्रू आउट द साइड प्रोफाइल यहाँ पे भी आपको मिलती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ अच्छी सी डिज़ाइन दे रखी है। सो यस, क्रोम अब डिलीट हो चुका है और यहाँ पे ये जो नया कुछ एलिमेंट है ये आपको मिलता है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाती है सनरूफ, एंड यहाँ पे आपको डुअल टोन नहीं मिलता है बिकॉज दिस इज़ नेचुरली एस्पिरेटेड। अगर आपको डुअल टोन लेना है तो उसके लिए आपको टर्बो वेरियंट लेना होगा। सो ये थी बात। यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटेना मिल जाता है, प्लस काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको विंडो एरिया मिल रहा है। कमिंग टू द रियर, सो पीछे आ जाते हैं। सो रियर में भी आप देख सकते हैं यार काफ़ी चेंज हो चुका है डिज़ाइन स्टेटमेंट। ये जो LED लाइट्स हैं, कनेक्टेड LED लाइट्स यहाँ पे आपको मिलती हैं, स्टार्ट होती हैं यहाँ से साइड से एंड थ्रू आउट यहाँ पे आपको कनेक्टेड मिलती हैं, तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है। प्लस यहाँ पे आपको क्रिस्टल एलिमेंट मिलते हैं जो ये लाइट ऑन होती है आपकी हेडलैम्प के साथ, ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे आपको हेलोजन टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको हेलोजन रिवर्स जो लाइट मिलती है वो मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आपको जो इमरजेंसी ब्रेकिंग वाली लाइट्स मिलती है ना, वो यहाँ मिलती हैं, छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं ना, ये काफ़ी अच्छे लगते हैं जब रात में जलती हैं या फिर दिन में भी आपको काफ़ी अच्छी दिखेगी ये। सो ये थी बात। वरना की बैजिंग यहाँ पे आपको मिलती है, Hyundai का लोगो यहाँ पे है। प्लस यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस मिल जाती है, रियर पार्किंग कैमरा यहाँ पे आपको मिलता है, SX की बैजिंग यहाँ पे है, एंड यहाँ पे आपको रियर पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। प्लस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो क्रिस्टल एलिमेंट दिए गए हैं, इससे काफ़ी यूनिक अपीयरेंस मिल रहा है पीछे का भी। सो पीछे से एक बार और मैं दिखा देता हूँ, सो कुछ इस तरह का अपीयरेंस है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर भी कुछ इंटरेस्टिंग से मिलते हैं, बहुत ही अच्छे बॉक्सी टाइप मिल रहे हैं। नीचे से दिखा देता हूँ, सो यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिलता है और नीचे से भी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है। सो ये थी बात। अब हम चलते हैं इसका बूट स्पेस देखते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपको डीफॉगर मिल जाता है, रियर डीफॉगर है, हाई एंड स्ट्रोब लाइट यहाँ पे आपको मिल जाती है, और जो डिज़ाइन है ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देख सकते हैं आप कूपे टाइप डिज़ाइन जो दे रखा है पीछे से, सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, कूपे डिज़ाइन कह सकते हैं आप इसको। सो यहाँ पे स्पॉयलर नहीं मिलता है बट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। सो बूट ओपन कर लेते हैं, वन टच ओपन है। उसके अलावा यहाँ पे आपको आपकी की में भी ऑप्शन मिलता है, वो अभी हम की बात करेंगे तब बताऊँगा। सो यहाँ पे भी फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी दे रखी है। कमिंग टू द इंटीरियर, सो यहाँ पे जो बूट का इंटीरियर है वो तो काफ़ी बड़ा है यार, दो आदमी मेरे जैसे तो आराम से सो के जा सकते हैं अंदर, इतना बड़ा बूट है। सो ये थी बात। दिस इज़ द स्पेयर व्हील, यहाँ पे आपको स्टील व्हील मिलता है। इसकी साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको ये 15 इंच का स्टील व्हील मिलता है, दैट्स ऑल। इसको बंद कर देते हैं, काफ़ी बड़ा मैसिव बूट स्पेस आपको मिल रहा है Hyundai वरना में। सो ये थी बात एक्सटीरियर की। यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपनर मिल जाता है, सो दैट्स ऑल। अब हम चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं वहाँ पे हमें क्या क्या
फीचर्स मिलते हैं, कितना कंफर्ट मिलता है, और अब व्हील बेस बड़ा हो चुका है तो क्या हमें पीछे वाली सीट में अब वो कंफर्ट मिल पाएगा जो हमें सिटी में मिलता था। सो ये थी बात। स्टार्ट करते हैं रियर डोर से। सो यहाँ पे आपको डुअल टोन में डोर मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉफ्ट प्लास्टिक है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे आपको लेदरेट फिनिश मिलती है जो कि बेज कलर में है। यहाँ पे भी आपको कुछ प्लास्टिक एलिमेंट मिल जाता है। यहाँ पे आप अपनी बॉटल रख सकते हैं, कुछ सामान रख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको मिलता है बोस का स्पीकर। मज़ा आ जाएगा गाना वाना सुनने में तो। सो ये थी बात। अब आ जाते हैं हम अंदर और बैठ के देखते हैं कितना स्पेस है, क्या सब है। सो अंदर आ चुके हैं। सीट थोड़ी सी ज़्यादा आगे है बट फिर भी मैं बता रहा हूँ इतना स्पेस मिल रहा है अब आपको। नी रूम में, लेग रूम में पूरे फैल के सो जाओ नीचे, इतना स्पेस है। और अंडर थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हो आप कितना डिसेंट यहाँ पे आपको अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा है। हेडरूम की अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट यहाँ पे आपको हेडरूम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हेडरूम में भी। अब हम बात करते हैं इस सीट में क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं। सो यहाँ पे आपको सेंटर में आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसको अभी ओपन नहीं कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद टू कप होल्डर्स। आइसोफिक्स इसमें आपको मिल जाते हैं फॉर चाइल्ड सेफ्टी। सो यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड 3 सीट बेल्ट मिलते हैं तीनों पैसेंजर्स के लिए जो पीछे बैठेंगे, ये एक अच्छी बात है। बट यहाँ पे हेडरेस्ट क्यों नहीं मिलते हैं 3? सो हेडरेस्ट यहाँ पे आपको 2 ही मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल हैं, आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे आपको एक सन वाइज़र मिल जाता है, इसको आप लगा सकते हैं। सो इससे आपको यहाँ पे अच्छी प्रोटेक्शन मिलेगी जब धूप वूप लगे ज़्यादा तो। सो ये थी बात। यहाँ पे आपको रियर एसी वेंट मिल जाता है, यहाँ पे अपना फ़ोन वोन रख सकते हैं। 2 यहाँ पे आपको सी टाइप चार्जिंग मिलती है फास्ट चार्जिंग के लिए, ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे हम कोई ज़्यादा नहीं है तो आराम से यहाँ पे 3 जने तो बहुत ईजीली बैठ सकते हैं, तो इसी वजह से उन्होंने 3 सीट बेल्ट दिए हैं यहाँ पे। सो ये थी बात। और फैब्रिक की बात करते हैं अभी करेंगे। सो यहाँ पे आपको ग्रैब करने के लिए कुछ मिल जाता है, प्लस यहाँ पे हुक है, यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, रीडिंग लैंप है, इसको बंद कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ग्रैब करने के लिए कुछ मिल जाता है। सो ये थी बात। अब फैब्रिक की बात करते हैं। सो यस, फैब्रिक की बात मैंने की नहीं थी। यहाँ पे आपको लेदरेट फिनिश मिलती है, दिस इज़ द टॉप वेरिएंट। और ये जो बेज कलर में मिलता है ना, ये काफ़ी अच्छा लगता है, इससे और ज़्यादा मुझे लगता है स्पेशियस लगता है इंटीरियर इस कलर से, लाइट कलर यहाँ पे आपको मिलता है तो। सो ये थी बात, काफ़ी अच्छा फिट एंड फिनिश है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रियर सीट। काफ़ी अच्छा स्पेस हो चुका है व्हील बेस बढ़ने की वजह से, जो पहले लोगों को कमी लगती थी वरना के अंदर, वो अब यहाँ पे दूर हो चुकी है। सो यस, काफ़ी अच्छा काम किया है Hyundai ने। सो अब हम चलते हैं ड्राइवर सीट पे और वहाँ देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसकी की दिखा देता हूँ। सो दिस इज़ द की, जो कि पहले भी वरना में ऐसी आती थी और पहले भी काफ़ी अच्छी लगती थी, अभी भी काफ़ी डिसेंट सी सिंपल सी की है। यहाँ पे आपको डोर लॉक अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप अपनी बूट ओपन कर सकते हैं। इसको अगर आप प्रेस करके रखेंगे तो ये ओपन हो जाएगी, और सिर्फ ओपन हो सकती है, ऑटो रिलीज़ है यहाँ पे, ऑटो आप इसको बंद नहीं कर सकते। सो ये थी बात। इसको होल्ड करके रखेंगे तो आपकी कार स्टार्ट स्टार्ट हो जाएगी, और बाकी काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं इसमें आप की से जो कि यूज़ कर सकते हैं। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी लग रही है Hyundai की। इसको अंदर रख लेते हैं। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। अब आ जाते हैं हम फ्रंट डोर की तरफ। सो फ्रंट डोर भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे डिसेंट सिंपल सा है बिल्कुल। इसमें आपको डुअल टोन मिलता है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ पे आपको लेदरेट फिनिश मिल जाती है। विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो सिल्वर फिनिश दे रखी है, क्रोम नहीं है, अब सिल्वर फिनिश है यहाँ पे डोर ओपनर की भी। यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाता है, 1 लीटर की बॉटल रख सकते हैं। बोस का स्पीकर यहाँ पे भी मिलता है, यहाँ पे आपको कुछ छोटे से ट्वीटर मिलते हैं। सो ये थी बात। फ्रंट डोर काफ़ी अच्छा है, वो ओपन भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री यहाँ पे ओपन मिलता है आपको ये। अब आ जाते हैं हम ड्राइवर सीट की तरफ। सो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है यार, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। इसमें आप देख सकते हैं रिक्लाइन भी आप इसको इलेक्ट्रिकली कर सकते हैं, प्लस आगे पीछे करना है तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ये मुझे लगता है यार, आजकल जो प्रीमियम कार्स आ रही हैं उनमें ये चीज़ तो देनी ही चाहिए। सो ये थी बात। प्लस यहाँ पे अगर हम फैब्रिक की बात करें तो काफ़ी शानदार है, और ये डॉट डॉट देख के मुझे जो आपको लग रहा है वो यहाँ पे मिलता ही है, वो है वेंटिलेटेड सीट्स। सो यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड प्लस हीटेड सीट्स मिलती हैं। अभी हम अंदर बैठेंगे उसके बारे में बात करेंगे। सो यहाँ पे आपको 2 पैडल मिलते हैं, एज दिस इज़ द CVT वेरियंट। प्लस यहाँ पे आपको एक फैक पैडल मिल जाता है, यहाँ से आप अपना बोनट ओपन कर सकते हैं, दिस इज़ फ्यूज़ बॉक्स। ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप का यहाँ पे स्विच मिल जाता है, हेडलैम्प लेवलर यहाँ पे आपको मिल जाता है, दिस इज़ पुश स्टार्ट इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच। सो ये थी बात। सो अब हम आ जाते हैं अंदर और देखते हैं क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सो लेट्स कम इनसाइड। कार हमने पहले ही ऑन कर रखी थी, गर्मी बहुत है यार। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टीयरिंग से। सो स्टीयरिंग से पहले मैं आपको इसका थर्ड साउंड सुना देता हूँ यार। सो
कुछ इस तरह का इसका थर्ड साउंड है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, मुझे लगता है काफ़ी हैवी स्टील यूज़ किया गया है। सो ये थी बात, अब स्टार्ट करते हैं स्टीयरिंग से। सो काफ़ी यूनिक यहाँ पे आपको स्टीयरिंग मिलता है, टू स्पोक स्टीयरिंग मिल रहा है यहाँ पे आपको, कोई तीसरा या चौथा स्पोक नहीं मिल रहा है। सो ये काफ़ी डिफरेंट डिज़ाइन स्टेटमेंट है। यहाँ पे आपको लेदरेट फिनिश मिल जाती है, प्लस यहाँ पे अगर हम टर्बो से कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको ये वो जो रेड स्ट्रिप मिलती थी वो नहीं मिलती है, बाकी स्टीयरिंग लगभग सेम है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ये सारे आपके क्रूज़ कंट्रोल के फंक्शंस, यहाँ पे आप, यहाँ से आप अपनी MID को कंट्रोल कर सकते हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे आपको स्मार्ट क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है जो कि आपको टर्बो में मिलता था, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। Hyundai का लोगो है, यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको मिलते हैं आपके इंफोटेनमेंट के कंट्रोल। सो थोड़ा उल्टा हो गया है यार, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल पहले इधर आते थे, इधर यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट के और प्लस क्रूज़ कंट्रोल के जो फंक्शन आते थे वो यहाँ आते थे। सो ये थोड़ा चेंज हो चुका है, यहाँ पे आपको मोड मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट मिलता है जिसमें आप इंग्लिश का भी यूज़ कर सकते हैं, सो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपको फ़ोन वोन उठाना है तो ये सब चीज़ें हैं। सो अगर हम इसकी एडजस्टमेंट की बात करें, सो यहाँ पे आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टेबल यहाँ पे आपको स्टीयरिंग मिलता है, सो ये एक अच्छी बात है। इसको बंद कर देते हैं वापस। सो ये थी बात स्टीयरिंग की। यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको ऑटो हेडलैम्प का फंक्शन मिलता है, और क्योंकि यहाँ पे एडास है तो यहाँ पे आपको वो स्मार्ट हाई बीम वाला फीचर भी मिलता है, सो ये एक अच्छी बात है। यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं, दिस इज़ नेगेटिव, दिस इज़ पॉजिटिव। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छा और काफ़ी यूनिक सा यहाँ पे आपको स्टीयरिंग मिलता है। अब हम आ जाते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे। सो यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक तरह से कनेक्टेड मिलता है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्लस इंफोटेनमेंट। सो यहाँ पे आपको दो स्क्रीन मिल रही है 10.25 की, यहाँ पे आपको 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है, 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट मिल रहा है। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो यहाँ पे आ जाते हैं हम, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं, सभी चीज़ें डिजिटल हैं। यहाँ पे आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है, डिजिटल टैकोमीटर मिलता है, यहाँ पे आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिल जाता है, फ्यूल रेंज मिल जाती है, यहाँ पे आपका फ्यूल गेज है, यहाँ पे आपका ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पे आपका इंजन टेम्परेचर है, प्लस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका ओडोमीटर है, एंड यहाँ पे भी आपको कंपास दिख रहा है और इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको अगर TPMS देखना है तो उसके लिए आपको ड्राइव करना होगा, एंड यहाँ पे हम होल्ड करते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है होल्ड ओके सेटिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग यहाँ पे आपको मिल रही है सारी। सो ड्राइवर असिस्टेंस, क्लस्टर, क्लाइमेट, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल रही हैं, लाइट्स, डोर। इसमें आपको 64 कलर की एम्बियंट लाइट मिलती है, ये भी एक काफ़ी यूनिक फीचर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डोर कन्वीनियंस, इसमें आप देख सकते हैं वायरलेस चार्जिंग सिस्टम फॉर मोबाइल डिवाइस एक्टिव है। डोर में आप यहाँ देख सकते हैं स्मार्ट ट्रंक का ऑप्शन अभी ऑफ है, इसको ऑन कर सकते हैं। ऑटो लॉक जो कि स्पीड के साथ इनेबल होता है वो भी अभी इनेबल हुआ हुआ है। लाइट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन टच टर्न इंडिकेटर, हेडलाइट टाइम आउट, HBA हाई बीम असिस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे आपको मिलता है, इंटीरियर लाइट्स ऑन, क्लाइमेट यहाँ पे आपको इंटरनल एयर सर्कुलेशन, ऑटोमेटिक वेंटिलेशन, ये तक फीचर मिलता है। क्लस्टर में यहाँ पे आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हैं, थीम सेट कर सकते हैं, सो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको दे रखी हैं। और ड्राइवर असिस्टेंस जो कि आपको मिलता है वो काफ़ी अच्छा है, वो एडास से आपको जो आता है, जैसे ये DAW ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, सो ड्राइवर ड्राउजीनेस वाला जो फीचर आपको XUV700 में मिलता था वो यहाँ पे आपको मिलता है। ड्राइवर सेफ्टी, पार्किंग सेफ्टी यहाँ पे आपको मिलती है। सो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, जो पीछे वाला ORVM है उस पर आपको एक हैजार्ड का सिग्नल मिल रहा है, सो उसकी वजह से यहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिलती हैं जिससे कि आपको पार्क करने में और ड्राइव करने में काफ़ी आसानी होती है। सो अगर आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इसको और चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटेड इन्फो मिल जाती है। सो इसमें आपका फ्यूल एफिशिएंसी जैसे अभी आपको मिल रही है 8.2 किलोमीटर पर लीटर, सो काफ़ी देर से हम इसको ऑन करके खड़े हुए हैं तो ये सब चीज़ें हैं। सो यस, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और यहाँ पे ड्राइव मोड भी आपको मिलता है तो उससे आपका इसका कलर भी चेंज हो जाता है। सो दिस इज़ द स्पोर्ट मोड, दिस इज़ इको मोड एंड दिस इज़ द नॉर्मल मोड, सो आप इसको चेंज कर सकते हैं एज पर यूर रिक्वायरमेंट। अब हम आ जाते हैं इन्फोटेनमेंट की तरफ। सो यहाँ पे आपको वही 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, टच रेस्पॉन्स शानदार है, ज़बरदस्त है इसका, सो टच में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सभी चीज़ें मिलती हैं, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, वाइब्रेंट है डिस्प्ले, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है कि धूप वूप में आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं। सो ये सब चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर की। सो डैशबोर्ड यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी है, और ये है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। सो इसमें आपको मिलता है डुअल टोन बेज एंड ब्लैक,
अगर आप टर्बो में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है, और मुझे अगर पर्सनली मैं बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, जो इंटीरियर का कलर वलर है ना, ये जो थीम है, इससे काफ़ी स्पेशियस लगता है इंटीरियर और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। हालांकि इसको साफ़ सफाई थोड़ी अच्छी रखनी पड़ती है बस इसकी। सीट का भी यहाँ पे आप देख सकते हैं बैच फिनिश में सीट मिल रही है, सो ये एक अच्छी बात है। प्लस ये जो आप देख सकते हैं जो कनेक्टेड यहाँ पे आपको ये एसी वेंट का जो ये लाइन दे रखी है, इससे काफ़ी यूनिक ये डिज़ाइन लग रहा है और काफ़ी अच्छा, मतलब एक तरह से स्टेबल डिज़ाइन लग रहा है। और ये जो थोड़ी स्क्रीन भी टिल्टेड हुई हुई है, वो भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई ऑड मतलब ऑड डिज़ाइन लग रहा हो, सो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे भी आपको कुछ मिल जाता है, सो रियर में भी अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाए तो वो भी अब आपको यहाँ पे वार्निंग मिलेगी, ये एक अच्छी बात है। तो पीछे वालों को भी अब सीट बेल्ट लगाना कंपलसरी है। यहाँ पे आपको कुछ सॉफ्ट फिनिश मिलता है, यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक मिल जाता है, सो ये थी बात। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी फिट एंड फिनिश है। कमिंग टू द क्लाइमेट कंट्रोल, तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे आपको मिलता है। प्लस ये जो स्क्रीन है ना, इसकी मैंने यूनिकनेस बताई थी अभी, यहाँ पे आपको एसी के स्विच मिल रहे हैं और इससे आप टच करके कुछ भी चेंज कर सकते हैं। सो ये थी बात। अभी हम इसको म्यूजिक सिस्टम बना देते हैं, सो नाउ इट इज़ द म्यूजिक सिस्टम। सो यहाँ से अब आप अपना ट्रैक सीट मीडिया वीडिया ये सब कर सकते हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट इन सेगमेंट और काफ़ी यूनिक मुझे फीचर लगा इसको। आप स्विचेबल यहाँ पे आपको ये कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर एयर कंडीशनर एंड फॉर इंफोटेनमेंट, ये काफ़ी यूनिक चीज़ है। यहाँ पे आपको डीफोगर के स्विच मिल जाते हैं, दैट्स ऑल। यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट्स एंड हीटेड सीट्स के यहाँ पे आपको मिलते हैं स्विचेस। सो इसको अगर हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लेवल तक यहाँ पे आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है, 3 लेवल तक हीटेड सीट मिलती हैं। ये काफ़ी मुझे लगता है एक अच्छा फीचर है। सो इसको अभी बंद कर देते हैं, हमारी साइड की ऑन करते हैं। सो ये थी बात। यहाँ पे आपको एक सी टाइप चार्जिंग मिल जाती है, यूएसबी चार्जिंग सॉकेट मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको मिल जाता है 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, सो ये एक अच्छी बात है। प्लस यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग के लिए भी स्पेस मिलता है, सो आप अपना फ़ोन रखेंगे ऑन द गो, आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा, ये एक बहुत अच्छी बात है। नाउ कमिंग टू द गियर बॉक्स, सो यहाँ पे आपको नेचुरली एस्पिरेटेड में 2 तरह के गियर बॉक्स मिलते हैं। दिस इज़ द CVT गियर बॉक्स, एंड अगर आप मैनुअल लेना चाहते हैं तो उसमें आपको मिलेगा 6-speed मैनुअल गियर बॉक्स, सो वो आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारे इंडिकेटर मिलते हैं, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव, एंड यहाँ पे आपको पार्किंग कैमरा ऑन करने का स्विच मिल जाता है, ड्राइव मोड है, एंड यहाँ पे भी आपको एक पार्किंग का स्विच मिल जाता है। पार्किंग कैमरा इसका एक बार ऑन करके देख लेते हैं। सो दिस इज़ द रियर पार्किंग कैमरा, सो इसकी विजिबिलिटी अच्छी है और मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है। इसमें आपको मोड भी मिलते हैं कुछ, सो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल पास से अगर आपको देखना है तो ये है, एंड दिस इज़ द वाइड एंगल मोड। सो ये थी बात, इसको आप क्विक एक्सेस कर सकते हैं यहाँ से। सो ओवरऑल काफ़ी अच्छी यहाँ पे फिट एंड फिनिश मिलती है। यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, जो कि टर्बो में आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, कुछ स्पेस है। यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, इसके अंदर यहाँ पे आपको स्टोरेज मिलता है। इसको आगे पीछे करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलता है। नाउ कमिंग टू द ग्लव बॉक्स, सो डिसेंट यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिलता है, कूल्ड ग्लव बॉक्स इसमें आपको मिलता है। कमिंग टू दिस, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है, सो ये थी बात। वैनिटी लाइट नहीं है, प्लस यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं और ये भी LED लाइट्स हैं और यहाँ से आप कुछ चेंज कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे आपको 1-touch सनरूफ मिल जाती है, सो दिस इज़ द सनरूफ, और ये काफ़ी अच्छी लग रही है, डिसेंट ओपन होती है और इसको बंद कर लेते हैं। 1-touch क्लोज है, 1-touch ओपन, 1-touch क्लोज, यहाँ पे आपको सनरूफ मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IRVM मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको Hyundai के वो ब्लू लिंक वाले काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, SOS का ऑप्शन है और ये जो है ब्लू लिंक, इससे आप कनेक्ट करके काफ़ी सारे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कमिंग टू दिस, यहाँ पे आपको ओहो इसको स्लाइडिंग बनाया है भाई, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिलता है स्लाइडिंग फॉर ड्राइवर एज वेल, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो ये थी बात इसके इंटीरियर की, और काफ़ी अच्छी इंटीरियर की फिट एंड फिनिश है। अब हम बात करते हैं इसकी सेफ्टी की। सो यस, बिल्ड क्वालिटी को देखकर ऐसा लग रहा है कि इसकी सेफ्टी काफ़ी अच्छी होने वाली है। सेफ्टी रेटिंग जब भी मिलेगी इस कार को अच्छी ही मिलेगी। और एक अच्छी बात ये भी है, अब 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड हैं अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स हुंडई वर्ना में, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर लगा मुझे। प्लस यहाँ पे आपको Level 2 एडास मिल रहा है, उसमें काफ़ी सारे फीचर्स मिल रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है। हालांकि टर्बो से इसमें कम फीचर मिल रहे हैं आपको, सो फिर भी यहाँ पे आपको जैसे लेन कीप असिस्ट और ये सब चीज़ें मिल रही हैं, तो ये काफ़ी सेफ्टी फीचर्स हैं, काफ़ी अच्छे सेफ्टी फीचर्स हैं। हिल स्टार्ट असिस्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल रहा है, ऑटो स्टार्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि सेफ्टी को इन्हांस करती हैं किसी भी कार की।
सो ये थी बात ओवरऑल इसकी सेफ्टी की। अब हम चलते हैं इसका ड्राइव करते हैं और देखते हैं ड्राइव में क्या परफॉर्मेंस मिलने वाली है। सो नाउ लेट्स गो फॉर द ड्राइव। आज है हमारे पास ऑल न्यू वर्ना का 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। सो इसको करते हैं ड्राइव, परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी है। इनिशियल पुश तो काफ़ी शानदार है, देखिए लिखा हुआ भी आ गया रिड्यूस स्पीड। सो दिस इज IVT, Hyundai इसको IVT बोलता है, बाकी ये है CVT ट्रांसमिशन, कंटिन्यूसली वेरिएबल ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलता है। और काफ़ी अच्छा, काफ़ी स्मूथ, काफ़ी रिफाइंड यहाँ पे आपको इंजन मिल रहा है। अभी देखिए हम 100 पे पहुँच गए, मतलब इतना कुछ ज़्यादा आपको जज नहीं होता है कि भाई किस स्पीड पे मतलब एकदम से गाड़ी पहुँच जाती है। सो इनिशियल पुश काफ़ी अच्छा है, इनिशियल स्टार्ट काफ़ी अच्छा है और ब्रेकिंग भी अच्छी है। यहाँ पे देखिए आपको वार्निंग भी मिलती रहती है, जैसे अभी स्कूल आ रहा है तो स्टूडेंट क्रॉसिंग अहेड, ऐसे ही वार्निंग आपको यहाँ पे मिलती है। सो ये सेफ्टी फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। सो ओवरऑल इंजन की अगर मैं बात करूँ और अगर हम टर्बो से कंपेयर करें तो अभी तक हमने टर्बो को ड्राइव नहीं किया है, बट वो हमने स्टार्ट करके देखी थी, सभी चीज़ें थी तो वहाँ पे और यहाँ पे मुझे एक चीज़ का फ़र्क लगा, वहाँ पे थोड़ी सी जो नॉइज़ थी, साउंड थी इंजन की, वो कम थी। बट यहाँ पे अगर हम इसको जैसे अभी ये देखिए हमने इसको पुश किया एकदम से, तो आवाज़ आपको अंदर सुनाई देती है इंजन की। सो ये मुझे एक लगा कि नेचुरली एस्पिरेटेड में ये चीज़ है, बाकी रिफाइनमेंट में कोई दिक्कत नहीं है और कोई ज़्यादा फालतू की इसमें आपको नॉइस वॉइस नहीं मिलेगी, अननेसेसरी नॉइस। और NVH लेवल्स की भी अगर बात करूँ तो बहुत कंट्रोल्ड में यहाँ पे NVH लेवल मिलते हैं, ना तो आपको टायर्स की रोलिंग की साउंड इतनी आती है, ना हवा की साउंड इतनी आती है, और केबिन भी काफ़ी अच्छा है। सो ओवरऑल इंजन काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। और यार शुरू से ही मुझे लगता है Hyundai का जो इंजन की रिफाइनमेंट और जो उसकी स्मूथनेस है वो हमेशा से बरकरार है, और अभी भी इसमें आपको काफ़ी शानदार मिलती है वो। सो यस, यू कैन गो फॉर इट। और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, वही ज़्यादा सेंस आपको देगा, क्योंकि मुझे लगता है जो न्यू वर्ना लॉन्च हुई है उसमें यही ज़्यादा इंजन बिकने वाला है, क्योंकि एक तो इसकी मेंटेनेंस आपको कम मिलेगी, इसकी परफॉर्मेंस आपको लीनियर मिलेगी जो आपको चाहिए। जैसे इसमें आपको मिलता है 115 BHP ऑफ पावर और 143 न्यूटन मीटर टॉर्क, जो कि आपको बहुत सफिशेंट है सिटी में या हाईवे पे चलाने के लिए। सो यस, दिस इज़ द प्रैक्टिकल इंजन। टर्बो अगर आपको लेना है वो आपको चाहिए अगर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस, मतलब आपको अगर एंथुजियास्ट वाली फीलिंग चाहिए, एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप टर्बो ले सकते हैं। बाकी ये आपको मिलता है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और यही ज़्यादा प्रैक्टिकल है और मुझे लगता है ज़्यादा लोग इसे ही कंसीडर करने वाले हैं। सो यस, ये थी बात इंजन की। अब इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो ये जो बेज एंड ब्लैक फिनिश में डुअल टोन इंटीरियर है, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा स्पेशियस और एयरी इंटीरियर यहाँ पे आपको लग रहा है और मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में। यहाँ पे आपको जो स्टीयरिंग मिलता है वो भी काफ़ी यूनिक है, यहाँ पे टू स्पोक स्टीयरिंग मिल रहा है। अभी हम इसको यू टर्न लेते हैं कार को और थोड़ा सा इसके स्टीयरिंग के रेस्पॉन्स और फीडबैक की बात करते हैं। सो हम यहाँ से लेते हैं इसका यू टर्न। सो यस, काफ़ी अच्छा यहाँ पे फीडबैक मिल रहा है आपको स्टीयरिंग से, और सिटी में जब चलाएंगे ना तो आराम से आप इसको चला सकते हैं। थोड़ी लंबी गाड़ी है तो चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसी वजह से आपको आगे भी पार्किंग सेंसर दिए हैं, पीछे भी रिवर्स पार्किंग सेंसर दिए हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे सिटी ड्राइव में। और इंजन की भी यहाँ पे अगर हम स्टीयरिंग की भी अगर बात करें तो स्टीयरिंग भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा इसका रेस्पॉन्स है, फीडबैक है, तो आपको चलाने में अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। हाई स्पीड पर भी अगर आप इसको चलाते हैं तो यस, आपको काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस मिलेगी, काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा ड्राइव करने में। और इसमें आपको यहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं, तो आप इसको मैनुअली भी शिफ्ट कर सकते हैं। अभी देखिए ये स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली जो लेन असिस्ट ऑन है उसकी वजह से ये लेन को अपने आप ही डिटेक्ट करके उस लेन से बाहर नहीं निकलेगा ये। सो ये एक अच्छा सेफ्टी फीचर है। सो अब हम बात करते हैं इसकी सस्पेंशन के बारे में। सो सस्पेंशन काफ़ी कंफर्टेबल हैं और कंफर्टेबल राइड के हिसाब से डिज़ाइन की गई है सस्पेंशन, तो आप अगर लंबी ड्राइव पे जाएंगे, लंबी जर्नी पे भी जा रहे हैं ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सीट्स का कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। सो वेंटिलेटेड सीट्स से और ज़्यादा आपको एनहांस कंफर्ट मिल रहा है, पीछे आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल रहा है, अब लेग रूम नी रूम सब काफ़ी शानदार है।
सो यस, सस्पेंशन ओवरऑल काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी कंफर्टेबल आपको ड्राइव प्रोवाइड करेंगे। तो यदि बात सस्पेंशन की, अब हम बात करते हैं इसके गेयर बॉक्स की। सो यस, यहाँ पे आपको मिल रहा है CVT गेयर बॉक्स, और CVT होने की वजह से काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको गेयर शिफ्टिंग मिलती है। ज़्यादा आपको ऐसे जज नहीं होता है, हालांकि आपको जैसे गेयर शिफ्ट हो रहा है तो आपको पता ज़रूर चलेगा कि हाँ गेयर में शिफ्टिंग हो रही है, चाहे आप उसको अप शिफ्ट माने या डाउन शिफ्ट में, दोनों में आपको थोड़ा बहुत एहसास होगा। बट फिर भी यहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। आप इसमें 6-speed मैनुअल भी ले सकते हैं अगर चाहें तो। अगर आप टर्बो में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मैनुअल मिलेगा 6-speed, एंड उसमें आपको मिलेगा 7-speed DCT डुअल क्लच ट्रांसमिशन। तो यस, टर्बो में आपको DCT मिल रहा है, उसमें आपको और शानदार परफॉर्मेंस मिलेगी। सो ये थी बात इसके गेयर बॉक्स की। ओवरऑल अभी देखिए ये लेन कीप असिस्ट जो है ना, ये अब काम कर रहा है, बिल्कुल लेन में ही रखे हुए है गाड़ी को। अभी हम इसको थोड़ा सा लेन से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको, यहाँ पे हम इसको लेन से बाहर निकाल रहे हैं, ये ऑटोमेटिक अपनी लेन में कार को चला रहा है। तो दिस इज़ द लेन असिस्ट, और लेन असिस्ट ऑन हुआ हुआ है, उसी की वजह से ये फीचर अभी वर्क कर रहा है। आप इसको बंद कर देंगे तो ये फीचर काम नहीं करेगा। TPMS यहाँ पे दिखा रहा है, उसकी वजह से आपको ऑन द गो टायर प्रेशर पता चलता है, और उसी की वजह से आपको एफिशिएंट ब्रेकिंग, एफिशिएंट फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। सो ये सब चीज़ें हैं ओवरऑल इसके बारे में। ब्रेकिंग की अगर बात करें तो यस, ब्रेकिंग यहाँ पे आपको, अभी हम थोड़ी सी स्पीड में हैं, स्पीड में रहते हैं, इसको अप्लाई करके देखते हैं। सो यस, इनिशियल जो बाइटिंग है वो काफ़ी शानदार है, और काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग यहाँ पे आपको मिल रही है, और ऐसा नहीं हो रहा है गाड़ी कहीं इधर उधर लहरा रही है। सो यस, ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है। सो ओवरऑल अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, इंजन की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो काफ़ी अच्छा रिफाइंड स्मूथ इंजन है, नॉट एट ऑल प्रॉब्लम। और यहाँ पे देखिए बड़ी सी स्क्रीन्स जो लगी हुई हैं, 10.25 का इंफोटेनमेंट है, 10.25 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, दोनों से काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक विजिबिलिटी मिल रही है। और ये ड्राइवर के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे टिल्ट करके दिया हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो फीचर्स हैं क्लाइमेट कंट्रोल के, ये सब भी टिल्टेड हैं थोड़े से, तो इससे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ऑल न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको इंटीरियर मिल रहा है ऑल न्यू Hyundai Verna में। सो अब हम बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। सो यहाँ पे सबसे सरप्राइजिंगली जो कंपनी ने क्लेम किया है ना, वो टर्बो में ज़्यादा माइलेज क्लेम किया है, एंड इसमें नेचुरली एस्पिरेटेड में आपको कम माइलेज मिलेगा ये क्लेम किया। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। सो अगर हम इसके माइलेज की बात करें ऑन हाईवे, तो आप अगर CVT से इसको प्यार से चलाएंगे तो आपको ईजिली 17-18 किलोमीटर्स पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी मिल जाएगी। टर्बो में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 1-1.5 किलोमीटर की फ्यूल एफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, मतलब वहाँ पे आपको समझ लीजिए 18-18.5 के आसपास फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। सो यस, टर्बो में, और इसका रीज़न ये है कि आप इसमें एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे, परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो आप एफर्ट ज़्यादा लगाएंगे, उसकी वजह से थोड़ी सी फ्यूल एफिशिएंसी कम मिल सकती है। सो यस, वहाँ पे आपको टर्बो में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, यहाँ आपको थोड़ी सी परफॉर्मेंस कम है, तो आप पुश करेंगे इसको तो उससे थोड़ी एफिशिएंसी कम मिलेगी। सिटी माइलेज की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इजीली 13-14 किलोमीटर पर लीटर फ्यूल एफिशिएंसी मिल सकती है, आप अगर CVT लेते हैं और प्यार से इसको चलाते हैं तो। सो ये थी बात इसके माइलेज की। सो ओवरऑल इसका ड्राइव परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, और सेगमेंट में अब यहाँ पे आपको काफ़ी कंपटीशन मिलने वाला है ऑल न्यू Verna के आने के बाद। सो ये थी बात इसके सभी परफॉर्मेंस की, ड्राइव पर, यहाँ पे आप देखिए सेफ्टी के लिए तो सब चीज़ें हैं। सो ये थी बात इसकी ड्राइव परफॉर्मेंस की। अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन, शुड यू बाय ऑल न्यू Verna और नॉट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। सो पुरानी Verna से प्राइस इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है ऑल न्यू प्लेटफॉर्म, न्यू डिज़ाइन एलिमेंट्स, न्यू फीचर्स, जैसे कि आपको एडास लेवल 2 मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है। प्लस लोगों की जो सबसे बड़ी शिकायत थी पुरानी Verna से, वो अब दूर हो गई है, जो कि रियर सीट में आपको स्पेस नहीं मिलता था ना, अब यहाँ पर आपको भरमार स्पेस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है बेस्ट इन सेगमेंट व्हील बेस, 2670mm का यहाँ पे आपको व्हील बेस मिलता है, जो कि इस सेगमेंट में, इसके राइवल्स में किसी में भी आपको नहीं मिलेगा। और उसी की वजह से काफ़ी अच्छा यहाँ पे पीछे रियर सीट में स्पेस है, अंडर थाई सपोर्ट है, लेग रूम है, नी रूम है, रिक्लाइनिंग एंगल है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव कर दी गई हैं Hyundai द्वारा, और वो बहुत अच्छी चीज़ है। सो उसी की वजह से अब यहाँ पर बहुत ही अट्रैक्टिव बाय बन गया है ये इस सेगमेंट में। ड्राइव की अगर बात करें तो ये नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आज हमने ड्राइव किया, ये काफ़ी अच्छा स्मूथ इंजन है। और टर्बो की अगर बात करें तो वो तो यार नेक्स्ट लेवल है, उसमें तो आपको एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ेगा, इतना अच्छा आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। और
रिफाइंड और स्मूथनेस के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके राइवल्स की। सो यस, सबसे मेजर राइवल है होंडा सिटी। होंडा सिटी की अगर हम बात करें तो वो पहचानी जाती है अपनी कंफर्ट के मामले में, और यहाँ पे अब वरना में भी आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल रहा है। सो यस, उसकी वजह से कंफर्ट का यहाँ पे हेड टू हेड कंपैरिजन अब होने वाला है। सो अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी आपको उतनी ही पीछे रियर सीट में स्पेस मिल रही है, और सीट्स का जो कम्फर्ट है वो सब मिल रहा है, वेंटिलेटेड सीट्स आपको इसमें मिल रही हैं। सो बहुत टफ कंपटीशन है। अब वर्टस और स्कोडा स्लेविया, वॉक्सवैगन वर्टस और स्कोडा स्लेविया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको जो इंजन मिलता है और जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है, जो परफॉर्मेंस मिलती है, वो बहुत ही डिफरेंट मिलती है। सो उनको भी आप कंसीडर कर सकते हैं, बट यहाँ पे अब वरना आ चुकी है टर्बो के साथ, तो टर्बो यहाँ पे है और नेचुरली एस्पिरेटेड भी है, तो टफ कॉम्पिटिशन मिलेगा साहब वर्टस और स्लेविया को भी। सो यस, वैसे भी वरना की एक अलग ही फ़ैन फॉलोइंग है और यंगस्टर्स को तो काफ़ी पसंद आती है ये कार। सो ये फ़ैन फॉलोइंग मुझे लगता है इस नए लॉन्च के बाद और ज़्यादा बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ेगी और मुझे लगता है बहुत वेटिंग पीरियड भी रहने वाला है इसका। सो ये थी बात ऑल न्यू वरना की। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज़।